खबर है सोनभद्र से, जहां पर शक्तिनगर में स्थित एनसीएल और एनटीपीसी परियोजना की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर बुलडोजर चला है। इस जमीन पर कुल 21 अवैध मकानों को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण के दौरान महिलाओं और बच्चों को अपना घर टूटते देख रोते बिलखते हुए आप देख सकते हैं। इस बरसात के दिनों में 164 परिवार सड़क पर आ गए हैं। इन परिवारों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से बारिश में लोगों का सारा सामान सड़क पर पड़ा हुआ है। शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एनसीएल खड़िया की भूमि पर जो विगत 20 वर्ष से अवैध कब्जा करके लोग रह रहे थे, उनको उनके 21 घर चिन्हित किए गए थे पूर्व से, जिनको खाली कराया गया था। और एनटीपीसी शक्तिनगर की विस्तारीकरण योजना के तहत भवानी नगर बलिया नाला पे 800 मेगावाट यूनिट की दो योजनाएँ लगाई जानी है। उनके लिए अपनी मशीनरी को रखने के लिए यहाँ पे भूमि की आवश्यकता थी, जिसके बारे में पूर्व से ही सभी कार्रवाइयाँ की जा चुकी थी, तब पर नोटिस निर्गत किया गया था। और उसके तहत आज पूरे थाना पूरे जिले में कम से कम 6 थानाध्यक्ष और 25 सब इंस्पेक्टर, 30 महिला कांस्टेबल, 2 प्लाटून पीएसी, इस तरह लगभग 175 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में और एसडीएम जी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया और इसका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसी तरह का सर व्यवधान अभी तक की कार्रवाई में किसी तरह से कोई व्यवधान किसी तरह का भी कोई व्यवधान सामने नहीं आया और इसको हम लोग सफलतापूर्वक करा लेंगे। इसी वही माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अतीक के गुर्गे शेरा की इंग्लिश रिवॉल्वर के साथ तस्वीर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। शेरा कार में बैठे हुए हाथ निकालकर इंग्लिश रिवॉल्वर लहरा रहा है। 2 दिन पहले ही शेरा का जीशान गद्दी को धमकाते हुए ऑडियो वायरल हुआ था, लेकिन इंग्लिश पिस्टल के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। शेरा ने फिल्म स्टार सलमान खान को भी धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस उसे प्रयागराज से गिरफ्तार कर ले गई थी। पिछले कई महीनों से करेली और आसपास के इलाकों में शेरा की दबंगई फिर से शुरू हो गई है। पुलिस उसके ऑडियो की जांच कर रही है। शेरा के खिलाफ करेली और खुलादाबाद थानों में रंगदारी, धमकी और बमबाजी के कई मुकदमे दर्ज। अगली खबर मेरठ से है, जहां के पुरातापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में गोकशी के मुख्य आरोपी को अरुण के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस दौरान अन्य अपराधी भागने में सफल रहे। उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अल्मोड़ा की जन्म निद्यानी कोसी सुयाल और रामगंगा नदी का जल संग्रह कर कलश के माध्यम से सैन्य धाम देहरादून भेजा गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और कैलाश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर पावन जल संग्रहण यात्रा को रवाना किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण करना सरकार की सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल प्रदेश है, ऐसे में शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम हर किसी के लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। और मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का भी, सैन्य धाम का जो बहुत भव्य निर्माण हो रहा है और उसके लिए आज पूरे प्रदेश से ऐसे जो पवित्र हमारी नदियां हैं वहां से जल गंगा जल जा रहा है और इस गंगा जल का भी वहां सब बहुत अच्छी तरह से सैन्य धाम की मर्यादा और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, उसके लिए इस जल का उपयोग किया जाएगा। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ उन सारे शहीदों को, नमन करता हूँ, उनके परिवार वालों को प्रणाम करता हूँ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरे देश का मेगा इवेंट बनाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लगभग 10 साल पहले से पूरे देश के 5,00,000 से अधिक मंदिरों में राम राम संकीर्तन शुरू कराया जाएगा और इसमें सिख जैन समेत कई धर्मों के लोगों की को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी इन स्थानों पर लाइव दिखाया जाएगा। कार्यक्रम के बाद मौजूद लोगों को तो प्रसाद दिया ही जाएगा, साथ ही घर घर प्रसाद भी बांटा जाएगा। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संभालेगा।
हिंदुस्तान में कितने मंदिर हैं तो दसियों लाख होंगे, हिंदुस्तान में 2.5 लाख पंचायतें हैं। अगर 2.5 लाख पंचायतों में हर एक ग्राम पंचायत में एक मंदिर जरूर होगा। और शहरों के नगरों के 2.5 लाख मोहल्ले मान लो, तो अगर 5 लाख मंदिरों में दस से बारह दिन पहले से अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार नाम संकीर्तन, हमने कोई यज्ञ की चर्चा नहीं की है, लाखों रुपया खर्च करके इकट्ठा करके खर्च करना, ऐसी कोई योजना हम नहीं बनाएंगे ना बताएंगे। नाम संकीर्तन 24 घंटे का नहीं, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, अथवा अल्लाह आपके गांव का समाज परिस्थितियों के अनुकूल समझे। यहां से कोई एक मंत्र नहीं दिया जाएगा। वहीं कुशीनगर में बाढ़ की त्रासदी से जनता को बचाने के लिए किए जा रहे उपायों की कलई बड़ी गंडक नदी ने ही पोल खोल दी है। कटान और नदी का वेग रोकने के लिए तकरीबन 1 महीने पहले लगाए गए पॉर्क्यूपाइन बालू के ढेर की तरह गिरती जा रही है। कटान करते करते नदी महादेव गांव के करीब पहुंच गई है। महादेवा गांव और नदी के बीच में बस 3 मीटर की सड़क का फासला आ गया है। यही नहीं, छितौनी बांध को के ठोकर नंबर 2 और 3 के बीच लगाए गए पॉर्क्यूपाइन भी नदी में डूब गए हैं। स्थिति ये है कि ग्रामीण को बाढ़ खंड के अभियंताओं के किसी भी बात पर भरोसा नहीं रह गया है और एक एक पाई जोड़कर बनाए गए अपने आशियाने को अपने ही हाथों से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं लोग। यह हालत तब है जब बड़ी गंडक नदी का जलस्तर अभी सामान्य बना हुआ है, नदी में बाढ़ जैसी कोई हालत नहीं है। वही 2024 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। सीतापुर पहुंचे कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने दावा किया है कि 2024 में भाजपा की हार तय है और यूपी समेत पूरे देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है, ऐसा कह रही है कांग्रेस। जालौन में लगातार हो रही बारिश से तबाही, तेज बारिश के कारण भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। हादसे में बाल बाल बचा परिवार, गरीब परिवार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। कोंच कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीनगर का मामला है ये। तो तेज बारिश के कारण भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कच्चा मकान जमींदोज हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।